नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आपको पता है कि राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 की वेटिंग लिस्ट आने लग गई है। एक के बाद एक यूनिट की वेटिंग लिस्ट आती है और इस भर्ती की सबसे बड़ी वेटिंग लिस्ट जयपुर कमिश्नरेट, जयपुर आयुक्तालय की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। तो जिन भाइयों का, जिन सिस्टर्स का उनमें सिलेक्शन हुआ है, जिनका वेटिंग में नंबर आया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैंने ही बताया था कि जयपुर कमिश्नरेट की वेटिंग लिस्ट कब आने वाली है। तो कोई भाई या कोई बहन मिठाई पहुंचाना चाहते हैं तो मैं एड्रेस पिन कर दूंगा, उस एड्रेस पे अपनी मिठाई पहुंचा देना साथियों। लेकिन जिन साथियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे वेटिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या और वेटिंग आएगी क्या? और दूसरे जिलों वालों का भी आ रहा है कि सर कितनी वेटिंग में कट ऑफ है जो गिर सकती है, कितनी कम हो सकती है। तो पूरा एनालाइज करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे, ध्यान से देखना, गौर से देखना, ठीक है साथियों। बात करते हैं राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 की वेटिंग की। सबसे बड़ी वेटिंग थी जो जयपुर कमिश्नरेट की आ चुकी है साथियों, और कुल 185 पोस्टों पर वेटिंग लिस्ट आई है, यानी 185 कैंडिडेट राजस्थान पुलिस में और वेटिंग में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। 185 में से अपन यदि कैटेगरी में बांटे तो जनरल, जनरल का मेल के 30 सीटों पे वेटिंग आई है, फीमेल में 9 सीटों पे वेटिंग आई है। ओबीसी पे बात करते हैं साथियों, ओबीसी की जो कैटेगरी है उस पर मेल में 64 सीटों पे वेटिंग आई है साथियों, 64 सीटों पे वेटिंग आई है, फीमेल की 33 सीटों पे वेटिंग आई है साथियों। एमबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल पे 10 कैंडिडेटों की वेटिंग लिस्ट आई है साथियों और फीमेल पे 5 सीटों पे वेटिंग आई है, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी में मेल पे 12 सीटों की वेटिंग आई है और फीमेल में 9 सीटों की वेटिंग आई है साथियों। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी में मेल की 7 सीटों पे वेटिंग आई है और फीमेल पे 1 सीट पे वेटिंग आई है, ठीक है। ये मैंने कैटेगरी वाइज आपको बता दिया है। लेकिन इसके बाद में एक सवाल आपका लगातार आ रहा है कि सर वेटिंग लिस्ट और आएगी क्या, ठीक है। आप चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, यदि सब्सक्राइबर नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है साथियों। मैं इस जवाब का आपका देता हूँ आंसर कि वेटिंग लिस्ट और आएगी या नहीं आएगी। तो आपके लिए खुशी की बात है कि वेटिंग लिस्ट एक और आएगी, ठीक है। तो अब वेटिंग लिस्ट सर कैसे आएगी, जितनी वेटिंग आनी थी आ गई, अब कहाँ से वेटिंग आएगी, ठीक है, उसका भी आंसर आपको देता हूँ साथियों। आपको पता है कि इस भर्ती में जिनका सिलेक्शन हुआ है, या तो उनका कहीं से भी सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर उनका दो दो तीन तीन जगह से सिलेक्शन हुआ है साथियों। कल मैंने वेटिंग लिस्ट आई थी उसको गौर से देखा था, ठीक है। उसमें से कम 15 कैंडिडेटों को ऐसे है जो मैं जानता हूँ, जिनमें से 3 तो गर्ल्स हैं जिनका ऑलरेडी CID IB में सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है। उन्होंने CID IB को कल ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है। कुछ एक दो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका बाड़मेर जिले से सिलेक्शन हो रखा है, बाड़मेर से ऑलरेडी सिलेक्शन हो रखा है, बाड़मेर से। 3 मेल कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जोधपुर कमिश्नरेट से सिलेक्शन हो रखा है और उनकी ट्रेनिंग चल रही है बीकानेर में। ऐसे कुल मिला के 15 विद्यार्थियों को तो मैं जानता हूं और ऐसे पता नहीं कितने विद्यार्थी होंगे जिनको मैं नहीं जानता, ठीक है। तो कम से कम 25 सीटों पे वेटिंग और आएगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रोविजनल में, जिनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है, वो दो दो जगह से अपने डॉक्यूमेंट्स उनके हैं तो उनकी जगह भी वेटिंग आएगी। तो जयपुर कमिश्नरेट से कुल मिला के 30 विद्यार्थी, ठीक है, 30, चाहे उसमें मेल हो या फीमेल हो, इतनी वेटिंग और आएगी। अब सर 30 तो और आएगी लेकिन हमारा उसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आपको बिना किसी लाग लपेट के मैं क्लियरली बता देता हूं कि यदि अब जो वेटिंग आई है उसके बाद में आपके फाइनल कट ऑफ से 0.50 नंबर कम है, 0.50, ठीक है, 0.50 की बोल रहा हूं, यदि इतने कम है तो आपका वेटिंग में जो आने वाली वेटिंग है उसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप अभी भी एक नंबर से अटके हुए तो आपका इस भर्ती में कोई चांस नहीं है भाइयों, कोई चांस नहीं है बहनों। और यदि आप 2 नंबर से भी वेटिंग में हो तो भी कोई आपका आसानी है। अब इसमें सर इतनी बड़ी वेटिंग आई है तो कट ऑफ कितनी गिरी है, एक मेरे मित्र है जो ऑलरेडी बाड़मेर पुलिस में लगे हुए इसी भर्ती में, उनका भी वेटिंग में सिलेक्शन हुआ था, उनसे मैंने पूछा था तो उनके 0.70 कम थे और इसमें जो सिलेक्शन हुआ उसमें उनकी रैंक थी 15वीं, ठीक है। तो कुल मिला के जितना मैंने एनालाइज किया है इसमें वेटिंग जो है कैटेगरी वाइज, जैसे 30 सीटों की जनरल की आई है तो 30 सीटों पर वेटिंग लिस्ट कम हुई है 2 नंबर साथ में, ठीक है, 2 नंबर जयपुर कमिश्नरेट से कट ऑफ है जो डाउन गई है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से एनालाइज कर लेना कि अपने सीटों से कितनी वेटिंग आएगी। बाकी जोधपुर कमिश्नरेट वालों बात कर रहे थे कि जोधपुर कमिश्नरेट से सर कितनी वेटिंग आएगी, तो जोधपुर कमिश्नरेट से 60 जनों की वेटिंग आएगी साथियों, आज ही मैंने पता किया था। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन हो
कमेंट जरूर कर देना, मैं जवाब दूंगा। और चैनल को इसी प्रकार से सपोर्ट करना। जय हिंद, जय भारत, लव यू।